इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आने लगेगा अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू द क्लेवर रेबिट चालाक खरगोश क्लेवर का मतलब होता है चालाक रेबिट का मतलब खरगोश द लॉयन एंड द टाइगर द लॉयन एक शेर एंड द टाइगर और एक बाघ लायन का मतलब होता है शेर टाइगर का मतलब बाघ वर द स्ट्रोंगेस्ट एनिमल्स वर द स्ट्रॉगेस्ट एनिमल्स सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर थे द स्ट्रांगेस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा ताकतवर वर थे एनिमल्स जानवर इन द जंगल इन द जंगल जंगल में दे लाइक्ड दे लाइक्ड उन्हें पसंद था टू टीज टू टीज परेशान करना ऑल द अदर एनिमल्स ऑल द अदर एनिमल्स, दूसरे सभी जानवरों को अदर का मतलब है दूसरे ऑल सभी एनिमल्स जानवरों को वन डे वन डे एक दिन द लॉयन द एक शेर स आ रैबिट स आ रैबिट एक खरगोश को देखा सौ का मतलब है देखा रैबिट खरगोश को एंड सेड टू हिम एंड सेड टू हिम और उससे कहा सेड का मतलब है कहा टू हिम उससे आई एम गोइंग टू ईट आई आई एम गोइंग टू ईट मैं खाने जा रहा हूं यू तुम्हें द रेबिट सेट द रेबिट सेट खरगोश ने कहा नो no, नहीं यू विल नॉट यू विल नॉट तुम नहीं खाओगे आई एम एज स्ट्रांग एज यू आर आई एम मैं हू एज स्ट्रॉन्ग उतना ही ताकतवर एज यू आर जितने की तुम हो दायन लाफ द लायन लाफ शेर हंसा

या फिर बहुत छोटे सो का मतलब होगा इतना या फिर बहुत स्मॉल छोटा ही सेड ही सेड उसने कहा आई विल शो यू आई विल शो यू मैं तुम्हें दिखाऊंगा हाउ स्ट्रांग हाउ स्ट्रांग कितना ताकतवर आई एम आई एम मैं हूं मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूं सेड द रैबिट सेड द रैबिट खरगोश ने कहा यू होल्ड दिस यू होल्ड दिस एंड तुम इस छोर को पकड़ो एंड का मतलब है छोर होल्ड पकड़ो दिस इज

द रोप रस्सी का मैं दूसरा छोर रस्सी का पकड़ूंगा वेन आई से वेन आई से जब मैं कहूं पुल खींचो वी बोथ विल पुल वी बोथ विल पुल हम दोनों खींचेंगे बोथ का मतलब है दोनों वी हम विलपुल खींचेंगे देन फिर द रैबिट द रैबिट वो खरगोश टूक द अदर एंड ऑफ द रोप टूक द अदर एंड ऑफ द रोप उसने रस्सी का दूसरा छोर लिया एंड और वेंट और गया इनटू द जंगल इनटू द जंगल जंगल में देयर वहां ही फाउंड ही फाउंड उसने पाया द टाइगर एस्लीप द टाइगर एस्लीप एक बाघ को सोता हुआ एस्लिप का मतलब है सोता हुआ टाइगर बाघ को फाउंड पाया रैबिट सेड टू द टाइगर रैबिट सेड टू द टाइगर बाघ ने शेर से कहा आई एम एज स्ट्रांग एज यू आर आई एम मैं हूं एज स्ट्रॉग उतना ही ताकतवर एज यू आर एज यू आर जितने की तुम हो द टाइगर laughed. द टाइगर laughed. बाघ हंसा। वेन ही हर्ड दिस वेन ही हर्ड दिस जब उसने इसे सुना बट लेकिन यू आर सो स्मॉल यू आर सो स्मॉल लेकिन तुम बहुत छोटे हो ही सेट ही सेट उसने कहा आई विल शो यू आई विल शो यू मैं तुम्हें दिखाऊंगा हाउ स्ट्रांग हाउ स्ट्रॉन्ग कितना ताकतवर आई एम आई एम मैं हूं सेड द रैबिट सेड द रैबिट खरगोश ने कहा यू होल्ड दिस एंड ऑफ द रोप यू होल्ड तुम पकड़ो दिस एंड ये किनारा ऑफ द रो रस्सी का तुम इस रस्सी का ये किनारा पकड़ो आई विल होल्ड द अदर एंड आई विल होल्ड मैं पकड़ूंगा ददर एंड दूसरा छोर या फिर दूसरा किनारा ऑफ दिस रोप ऑफ दिस रोप इस रस्सी का वेन आई से पुल वेन आई से पुल जब मैं कहूं खींचो वी बोथ विल पुल वी बोथ विल पुल हम दोनों खींचेंगे देन फिर द रेबिट हिड द रेबिट हिड वो खरगोश छिप गया बिहाइंड सम ट्रीज बिहाइंड सम ट्रीज कुछ पेड़ों के पीछे सम का मतलब है कुछ ट्रीज पेड़ों के हिड छिप गया बिहाइंड पीछे ही शाउटेड लाउडली ही शाउटेड लाउडली उसने जोर से चिल्लाया लाउडली का मतलब है जोर से शाउटेड चिल्लाया पुल खींचो द लायन पुल्ड द लायन पुल्ड शेर ने खींचा द टाइगर पुल्ड द टाइगर पुल्ड बाघ ने खींचा द लायन हफ्ड एंड पफ्ट लायन हफ्ड एंड पफ्ड शेर हाफ गया हफ्ड एंड पफ्ड का मतलब होगा हाफना यानी थककर चूर हो जाना द टाइगर हफ्ड एंड पफ्ड द टाइगर हफ्ड एंड पफ्ड बाघ हाफ ने लगा हाफ डेन पफ का मतलब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया स्नैप टूटने की आवाज आई द रोप द रोप वो रस्सी स्नैप का मतलब होता है किसी भी चीज की टूटने की आवाज ब्रोक टूट गई वो रस्सी टूट गई इन टू 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 दो भागों में यानी दो हिस्सों में द लाइन फेल इंटू द मड द लायन फेल शेर गिरा इन टू द मड कीचड़ में एंड द टाइगर एंड द टाइगर और वो बाघ फेल डाउन अ हिल फेल डाउन अ हिल पहाड़ी के नीचे गिरा सी देखो आई एम एज स्ट्रॉन्ग आई एम एज स्ट्रोंग देखो मैं उतना ताकतवर हूं एज यू आर एज यू आर जितने की तुम हो लाफ्ड द रैबिट लाफ्ड द रैबिट खरगोश ने कहा फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स उस दिन से फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स का मतलब है उस दिन से द लायन एंड द टाइगर द लायन एंड द टाइगर वो शेर और बाघ ने डिड नॉट टीज डिड नॉट टीज तंग नहीं किया या फिर परेशान नहीं किया द अदर एनिमल्स द अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों को एनी मोर और ज्यादा मोर का मतलब है जरा भी उस दिन से शेर और बाघ ने दूसरे जानवरों को तंग नहीं किया उम्मीद करता हूं इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को मित्र को परिवार वाले को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में